हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तरुण और आज मैं हूं गोवा में। गोवा जो भारत का एक छोटा सा स्टेट है, परंतु पूरी दुनिया में अपनी अमेजिंग नाइट लाइफ और खूबसूरत बीचेस के लिए जाना जाता है। आज मैं हूं नॉर्थ गोवा में और मैं आपको बताऊंगा नॉर्थ गोवा के बारे में, कहां घूमें, कैसे जाएं और कब आना चाहिए। वैसे तो गोवा आप साल में कभी भी आ सकते हैं, पर अक्टूबर से लेकर के मार्च का सेशन सबसे बेस्ट होता है। नॉर्थ गोवा में बागा बीच, कैलंगुट, ओल्ड गोवा, पंजीम, फाउंटेन हस्ट, डिवर आइसलैंड, पर्रा रोड, छपोरा फोर्ट, अगवाड़ा फोर्ट, कैंडोलिम, वेगेटर, अंजुना बीच और अरम्बोल बीच जैसे बहुत सारी जगह घूमने के लिए। हम स्टार्ट करेंगे ओल्ड गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस से, जो आज से 400 साल पूर्व पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। यह यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है। इसके ठीक सामने से कैथेड्रल चर्च है, जिसे पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। यह भी लगभग 400 साल पुराना है। इसके दो टावर हुआ करते थे, जो बीच में टूट गया और तब से लेकर आज तक से दोबारा बनाया नहीं गया, पर फिर भी ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ से निकलकर आप अगवाड़ा फोर्ट जा सकते हैं। अगवाड़ा फोर्ट पुर्तगालियों के द्वारा अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया था। यहाँ का लाइट हाउस एशिया का सबसे पुराना और बेहतरीन लाइट हाउस हुआ करता था। यहाँ पर मीठे पानी का स्रोत होता था और पुर्तगाली अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ गन पाउडर का स्टोर रखते थे। यह दो हिस्सों में बैठा हुआ है, निचला और ऊपरी हिस्सा। निचला हिस्सा जेल के रूप में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ से निकलकर आप कैंडोलिम बीच जा सकते हैं, जहाँ आप बीच इंजॉय कर सकते हैं और अपना दोपहर का समय बिता सकते हैं। साथ ही यहाँ पर लंच इंजॉय कर सकते हैं सेक पर। यहाँ का मार्केट भी अच्छा है, आप चाहें तो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। शाम होते ही आप यहां से निकल कर कैलंगुट बीच पहुंच सकते हैं, जहां आप एक खूबसूरत सनसेट के साथ साथ वाटर एक्टिविटीज इंजॉय कर सकते हैं। यहां पर बनाना राइड, बोट राइड, पैरासेलिंग जैसे वाटर एक्टिविटीज बहुत ही कम रेट पर हो सकते हैं, परंतु रेट कई लोगों से ट्राई करके ही आप इंजॉय करें। शाम यहां का बहुत ही बेहतरीन होता है, लाइट्स के बीच में से बहुत अच्छा लगता है और आप यहां चाहें तो डिनर इंजॉय कर सकते हैं और मोस्ट हैपिंग जगह यहाँ से निकल सकते हैं। इस वक्त मैं हूँ बागा बीच में। बागा बीच पूरे गोवा के सभी बीचेस में से सबसे हैपनिंग बीच में से एक है। यहाँ एक लंबा बीच है और हर बीच हर साइड शेक हैं और लाइट जगमगाते रहता है। हर शेक पर डीजे बजते रहता है, जो कि ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ 10 बजे तक ही आप पार्टी इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको पार्टी इंजॉय करना है तो यहाँ से निकलकर आप टीटोस लेन जा सकते हैं, जहाँ के क्लब्स में सुबह के 4 बजे तक पार्टियाँ चलती हैं। बागा बीच मोस्ट हैपनिंग बीचेस में से एक है और खूबसूरत भी। यहाँ पर भी अगर आप दिन में आएंगे तो वाटर एक्टिविटीज इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के टीटोस लेन रात में बहुत बढ़िया लगता है। टीटोस लेन मोस्ट फेमस है, जहाँ के क्लब्स रात के 4 बजे तक चलते हैं। आप यहां से एंजॉय करके जितने बजे भी निकलें आप होटल जल्दी पहुंचें, रात की नींद पूरी करें और सुबह जल्दी उठकर पहुंचें पर्रा रोड से। यह एक फोटोग्राफी पॉइंट के नाम से आपको गूगल में मिल जाएगा। यहां डियर जिंदगी मूवी की शूटिंग भी हुई थी। दोनों साइड कोकोनट ट्रीज बहुत खूबसूरत लगते हैं और बहुत सारे आपको यहां पे कपल्स और लोग मिल जाएंगे, जो यहां सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाते हैं फोटोग्राफी के लिए। यहां प्री वेडिंग शूट्स वगैरह भी आपको शूट होते दिखेंगे। यहाँ से निकलकर आप यहाँ से छपोरा फोर्ट की ओर बढ़ सकते हैं। छपोरा फोर्ट भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। वैसे तो यहाँ बहुत कुछ देखने को नहीं है, लेकिन यहाँ ऊपर तक पहुँचने में ही आपको 120 सीढ़ी चढ़ना होगा, पर ऊपर से जो वेगेटर बीच का जो व्यू है वो बहुत सुंदर है। फोर्ट के दोनों हिस्से में, आई थिंक तीनों हिस्से पे बीच है, परंतु वेगेटर बीच बहुत सुंदर दिखता है वहाँ से। यहाँ कुछ देर इंजॉय करें, फोटोग्राफीज करें और वहाँ से निकलकर आप पहुँच जाएं वेगेटर बीच पे। वेगेटर बीच वन ऑफ द बेस्ट बीचेस में से एक है। इन बड़े बड़े पत्थरों के बीच पानी जमा है, जहाँ आप छोटे छोटे मछलियाँ देख सकते हैं। साथ ही इन पत्थरों के बीच फोटोज बहुत अच्छे आते हैं। तो यहाँ से फोटोज लेने के बाद और अच्छे अच्छे वीडियोज लेने के बाद आप अंजुना बीच के लिए जा सकते हैं। अंजुना बीच मोस्ट ऑफ द फेमस बीचेस में से एक है। यहाँ का फ्ली मार्केट बहुत अच्छा है, आप चाहें तो यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। इस वक्त मैं अंजुना बीच पे हूँ।
और इन पत्थरों के बीच चलना बहुत मज़ा आ रहा था। लहरें बहुत तेज़ नहीं होती पत्थरों की वजह से, पर यहाँ भी आप वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने बोट राइडिंग किया था, बहुत ही अमेजिंग था, और यहाँ पैरासेलिंग भी होता है। यहाँ से बोट आपको बागा बीच तक लेकर जाते हैं और बागा बीच से वापस ले जाते हैं। इस बीच आपको कई साइट्स दिखाएंगे वो, जो अपने आप में अमेजिंग होता है। अंजुना बीच से निकलकर आप अरम्बोल बीच जा सकते हैं। अरम्बोल बीच को ही रशियन बीच के नाम से जाना जाता है। यहाँ की शाम बहुत खूबसूरत होती है। इस बीच के ही पास में कुछ फेमस कैफेज हैं, जैसे गार्डन ऑफ ड्रीम्स, जिसे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहाँ का लंच या डिनर इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप सैटरडे को गोवा में हैं तो सैटरडे नाइट मार्केट एक्सप्लोर करना ना भूलें। यह एक बेहतरीन मार्केट है। यहाँ कपड़े और सुवेनियर आपको काफ़ी अच्छे रेट पर मिल जाएंगे, साथ ही आप लाइव म्यूजिक के साथ फूड इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक और दिन गोवा में रुक रहे हैं तो आप फाउंटेन हाउस की कलरफुल गलियां और पंजी में क्रूज कैसिनोज इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और अपनी फ्यूचर बकेट में से शामिल करें। थैंक यू।